तस्वीरों में दिखने वाला यह प्रांगण नोएडा का है, जहां पर नोएडा परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के माध्यम से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार बाइक रैली में शामिल होकर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। रैली में भाग लेते ये सभी लोग या तो परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हैं या फिर स्वयंसेवक जो इस बाइक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी के अनुसार इस रैली का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के प्रति लोगों को जागरूक करना है। सर, ये बाइक रैली का आयोजन किया था, क्या था और क्यों किया? परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसी के आज अंतिम दिन बाइक उत्थान एक रैली का आयोजन किया गया था, जिससे कि लोगों को गौतम बुद्ध नगर में यातायात नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया जा सके। यह रैली कहाँ से कहाँ तक गई? ये रैली हमारे सेक्टर 32 RTO ऑफिस से निकल के 49 होते हुए GIP से 30, 27 इन सेक्टरों से होते हुए पुनः यहीं पे उसका समापन। सर, जिस तरह से सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात की जा रही है, तो ये लगभग शायद 17 तारीख से और 22 तारीख का, तो ये पाँच छः दिनों के अंदर कहाँ किस तरह के प्रोग्राम किए गए और किस तरह से मतलब मनाए गए? इसमें पहले दिन हम लोगों ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन हमारे जिलाधिकारी महोदय ने किया। इसी कड़ी में एक दिन माननीय परिवहन मंत्री ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और संबोधन हुआ उनका कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट अवश्य पहने, दो पहिया वाहन चलाते समय, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहने। एक आई कैंप का भी आयोजन किया गया। आज उसी कड़ी में एक बाइक उत्थान रैली का आयोजन। एक सप्ताह के दौरान जो जागरूक अभियान चलाया गया, इस दौरान क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? नहीं, आप सड़क पे चलते हैं, आपको निरंतर परिवर्तन दिख रहा है कि पहले लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, आज 95% लोग हेलमेट पहन रहे हैं। ये हमारी इस कड़ी का आपके माध्यम से जो जागरूकता अभियान में आपका सहयोग, मीडिया का सहयोग रहता है कि आपके माध्यम से लोग जानते हैं कि यातायात नियमों में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए या कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य पहनना चाहिए। तो हम तो एक माध्यम है, बाकी का प्रचार प्रसार तो आपके माध्यम से होता है, जिससे लोग जागरूक होते हैं। अगर हम बात करें इस दौरान चालान की, लगभग कितने वाहनों की चालान किए गए? नहीं, इस कड़ी में सड़क सुरक्षा सप्ताह में चालान भी किया गया। हमारा चालान करना उद्देश्य नहीं होता है, उससे रेवेन्यू अर्न करना उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोग जो है यातायात नियमों का पालन करें।